घंटी बज गई, स्कूल खुल गए, कोई रोता हुआ आया तो कोई खुशी खुशी। कमरा जमात में तुलबा की 50% हाजिरी, मास्क सैनिटाइजर्स और सामाजिक फासले की पाबंदी लाजिम। सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। हायर एजुकेशन की तदरीस बहाल, यूनिवर्सिटियों में नए सेशन का आगाज। बीएस के पहले और सातवें सेमेस्टर के तलबा डिपार्टमेंट पहुंचे। पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी की फाइनल क्लासेस भी शुरू, हॉस्टल की सहूलत भी मिल गई। जीसीयू यूएटी में भी गहमा गहमी। कोरोना के बाइस काफी बच्चे तालीम छोड़ गए। वजीर तालीम ने सरकारी स्कूलों की वीरानी का एतराफ कर लिया। मुरादराज का साल भर दाखिला मुहिम चलाने का ऐलान, 1 मिलियन नए दाखिलों का टारगेट दे दिया। इंसाफ स्कूल्स प्रोग्राम की मंजूरी, बच्चों के स्कूल छोड़ने पर असेंबली में तहरीक जमा। यकसा निसाब इस्लामियात का मजमून तीसरी के बजाय पहली जमात से लागू। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड पहली और दूसरी जमात के लिए इस्लामियात के कुतुब शाया करेगा। बच्चों को दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान का बताया जाएगा। गरीब का बच्चा मैकेनिक बने, इंजीनियर ना बने। सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज ने फीसों में होशुबा इजाफा कर दिया। 1 साल में 1,14,000 रुपए का इजाफा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री की फीस 5,11,000 हो गई। गरीब की जेब पर महंगाई के पेट्रोल का छिड़का और जनवरी में दाम बढ़ाने की हैट्रिक। पेट्रोल नई कीमत 111.90 रुपए पर फरोख। हाई स्पीड डीजल लाइट डीजल भी महंगा। कीमतों में हालिया इजाफा हाईकोर्ट में चैलेंज। पंजाब असेंबली में भी करारदाद पेश। सस्ता ईंधन भी महंगा, पेट्रोल के बाद एलपीजी का धमाका। दाम मजीद 10 रुपए बढ़ गए। गैस 158 रुपए किलो हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 471 रुपए महंगा। गरीबों के चूल्हे बुझने पर आ गए। माले मुफ्त दिले बेरहम, सीवरेज और वाटर की स्कीम्स में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। महकमा हाउसिंग नालायकी का शिकार। 4,700 स्कीमों में से 1,500 गैर फाल। शहर में 150 स्कीमें बहाली से कबल ही जवाब दे गई। हजारों स्ट्रीट लाइट्स बंद, लाहौर अंधेरों में घुम। जगमग और रोशन लाहौर का हदफ पूरा ना हो सका। अहम चौराहों पर बदस्तूर तारीकी का राज। कॉरपोरेशन अमले का 2.25 लाख लाइट्स बहाली का दावा, सवालिया निशान। क्या पंजाब में तब्दीली आई? पीटीआई सरकार अवामी सर्वे करवाएगी। पुलिस सेहत आमा स्कूल एजुकेशन से मुतालिक राय जानने के लिए सर्वे का प्लान। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेगा। 9 करोड़ रुपए खर्च आएगा। फंड्स का रिकॉर्ड ना खर्च का हिसाब। इजाफी कामों की आड़ में जेबें भरनी। कौमी खजाने को 1 अरब का झटका। ऑडिट में इंकशाफ पर महकमों से जवाब तलब। लेस्को की तारें चोरी होती रही, हुकाम खामोश तमाशाई बने रहे। 25 करोड़ का स्कैंडल मंजरे आम पर। तहकीकात हुई ना कोई सुराग लगाया गया। कानूनी कार्रवाई सिर्फ पुलिस रिपोर्ट तक महदूद रही। लाखों कमाने वालों का सेल्स टैक्स खाता जीरो। एफबीआर का 3,500 सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ घेरा तंग। होटल्स ब्यूटी सैलून्स फिटनेस जिम फैशन डिजाइनर्स और प्रोफेशनल्स फोटोग्राफर्स को नोटिस। गोशवारे जमा कराने का हुक्म। पेट्रोल कमीशन रिपोर्ट का क्या बना? हुकूमत ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? हुकूमत पकड़ कर चलाना हमारा काम नहीं। ऐसा ना हो कि हम लिख दें हुक्मरान जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पेट्रोल बहरान केस में रिमार्क्स। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड वाइस चांसलर को पेंशन अदायगी के लिए आखिरी मोहलत। हुक्म उदूली की सूरत गवर्नर पंजाब की तलबी का भी नोटिस। चौधरी सरवर को चांसलर की हैसियत से तलब किया गया। मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के दावे की समाअत। अदाकारा इफ़त उमर का गुलोकार के हामियों पर हरासा करने का इल्जाम। सिक्योरिटी केस तदा। सिविल अदालत का एडिशनल सेशन कोर्ट से रुजू का हुक्म। इफ़त उमर बयान मुकम्मल कराने के लिए 10 फरवरी को तलब। सुप्रीम कोर्ट में वकालत का लाइसेंस। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी के इंटरव्यू। 27 वकला के इंटरव्यू हुए।
सेनेट का मैदान, जीत यकीनी बनाओ मुहिम। वजीरे आला खुद मैदान में, नाराज अराकीन से राबते। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप के सरबराह समेत मुख्तलिफ अराकीन की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। मोहम्मद अफजल खान, इफ्तखार हुसैन गिलानी, आमिर नवाज खान, एजाज बंदेशा और दीगर भी शामिल। सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग ने भी कमर कस ली, राबतों के लिए घोड़े दौड़ा दिए। पीटीआई के नाराज अरकान से मेल मुलाकातों का फैसला, वोट के लिए रैंप करने की कोशिशें। शहर भर में टाइफाइड की वैक्सीनेशन का आगाज, मियां मीर अस्पताल में तकरीर। सूबाई वजीर सेहत और सेक्रेटरी प्राइमरी सेक्रेटरी हेल्थ की शिरकत। पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर चौहान ने इंडस अस्पताल काहना से मुहिम का इफ्तिताह किया। स्कूलों के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अदाकार शान की रिहाइश का आमद। नीलो बेगम की वफात पर इजहार ताजियत फातिह खानी की। लेस्को से रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में तकरीर। पेंशन, बुक और कागजात तकसीम किए। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन गौहर अजूब, डायरेक्टर जनरल एडमिन मियां अफजल ने साबिक मुलाजमीन की इदारे के लिए खिदमात को सराहा। पंजाब स्कॉलर्स यूनियन के अहदेदारान के हल्फ बदारी। अकरम सियाल ने सदर मोहसिन बिलाल ने जनरल सेक्रेटरी का हल्फ उठाया। यूनियन के सरपरस्त आला सैयद फहीम अफजल बुखारी, अला रखा गुज्जर, रशीद अहमद भट्टी और सईदा इकबाल की शिरकत। नौलखा चर्च में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का आगाज। डॉक्टर मजीद एबर, सरदार महिंदर पाल सिंह, मौलाना आसिफ मखदूम ने अमन का पौधा लगाया। मुल्क में अमन सलामती के लिए दुआएं। हाफिज शुएबुर रहमान, काजिम रजा नकवी और दीगर भी मौजूद थे। और अजम दवाना देखे समाना, व्हील चेयर खिलाड़ी जोशे जज्बा की तस्वीर। चैंपियंस लीग का आगाज, छह टीमें शरीक। पहले मैच में कश्मीर के टाइगर्स ने कराची आर्चर्स को हरा दिया।